नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिस गुरु चैनल में। दोस्तों, आज हम एक्सेल में सीखने वाले हैं एक इनवॉइस एक्सेल में कैसे बनाते हैं, एक उसका टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। दोस्तों देखिए, मेरे सामने एक सिंपल सा मैंने टेम्पलेट बनाया है। दोस्तों ये इनवॉइस का एक टेम्पलेट है। दोस्तों ये बहुत यूज़फुल है। दोस्तों जैसे कि आप स्मॉल स्केल कंपनियाँ, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है एक्सेल में। अभी तो फिलहाल बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आए हैं, लेकिन जो छोटा कंपनी दोस्तों, उनके लिए ये बहुत यूज़फुल है। ये है इनवॉइस टेम्पलेट। दोस्तों जब भी आप कोई व्यवसाय चलाते हैं, जो चालान का अपना महत्व है, आप अपने व्यवहार में जो भी व्यापार करते हैं उसे संदर्भ के रूप में कुछ लिखित दस्तावेज का प्रमाण होना चाहिए। इस आवश्यकता के साथ चालान का एक मूल्य है। हम जो भी व्यापार करते हैं, इनवॉइस एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें बेची गई मात्रा, सेल्स की राशि, हमें छूट यदि लागू हो इत्यादि से संबंधित जानकारी होती है। जैसे कि देखिए दोस्तों, जो भी आइटम है उसका कोड है, उसका नाम है, उसकी क्वांटिटी, यूनिट प्राइस है, डिस्काउंट क्या है, फिर प्राइस क्या हो गई, इन सब का कैलकुलेशन इसमें आप इजीली कर सकते हैं। दोस्तों स्मॉल स्केल बिजनेस में एक्सेल इनवॉइस बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। मतलब छोटी सी कंपनी में आपको, अगर आपके कंपनी में बहुत सारे ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ नहीं कर रहे इनवॉइसिंग के लिए, तो आप एक्सेल में इजीली इनवॉइस टेम्पलेट बना सकते हैं। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं ये इनवॉइस हम एक्सेल में कैसे बनाएं। और एक छोटी सी बात दोस्तों, अगर अभी तक आपने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, धन्यवाद। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सेल में ये इनवॉइस कैसे बनाते हैं। मैं इसको सिंपली दोस्तों इंसर्ट इस तरफ करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इस तरफ ले लिया। अब हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम बनाएंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के लिए थोड़ी जगह देंगे दोस्तों के लिए यहाँ पे। फिर क्वांटिटी हमें चाहिए, क्वांटिटी के बाद हमें चाहिए यूनिट प्राइस, प्राइस को लीजिए इस तरफ, फिर उसके बाद डिस्काउंट होते हैं हमारे यहाँ पे, और उसके बाद लास्ट में दोस्तों प्राइस। ठीक है, चलिए। ठीक है दोस्तों, इसमें एक छोटा सा बॉक्स कर देता हूँ। आप इसे लास्ट में भी कर सकते हैं। इसमें ये बॉक्स में दोस्तों हमें आउटलाइन देनी है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ से भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए इसे ओपन कीजिए। देखिए दोस्तों, थिक आउटसाइड बॉर्डर, बराबर, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों, फॉर्मेट सेल में जाओ और यहाँ पे आप बॉर्डर के ऑप्शन में आइए। यहाँ पे आप कलर भी दे सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने अगर कलर दिया ये रेड वाला, ठीक है दोस्तों, और लाइन हमने ये सिलेक्ट कर दी। उस देखिए, आउटलाइन को क्लिक कीजिए और एंटर, ओके बटन प्रेस कीजिए। देखिए दोस्तों, ये हमारी आउटलाइन हो गई। अभी मैं यहाँ पे नाम देने वाला हूँ कंपनी का। देखिए, इन दोनों सेल को सिलेक्ट करके आपको करना है सिंपली मर्ज। चलिए लिखेंगे यहाँ पे कंपनी नेम। ठीक है दोस्तों, हम इसका फॉर्मेटिंग करेंगे, इसके फॉन्ट्स यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये अलाइनमेंट दीजिए दोस्तों लेफ्ट साइड की। बस अब दोस्तों यहाँ पे आपको चाहिए फुल नेम, मतलब एड्रेस, एंटर। इसकी भी हम अलाइनमेंट ऊपर की तरफ करेंगे और थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है हमने फुल एड्रेस। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे
फोन नंबर, ठीक है दोस्तों, इनका भी अलाइनमेंट करेंगे ऊपर की तरफ, और यहाँ पे लिखेंगे ईमेल एड्रेस। देखिए अलाइनमेंट इसे कहते हैं टॉप लाइन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम इसको डिलीट करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे हमारा है पिन कोड, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, वेब साइट, चलिए थोड़ा सा ड्रैग करेंगे इस तरफ। ये जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है दोस्तों, चलिए हम इसके थोड़ा अलग कलर देंगे दोस्तों। आप यहाँ से भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अगर ये कलर दिया, या दीजिए ये वाला कलर, कंट्रोल बी बोल्ड कर दीजिए। फिर उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे दोस्तों, बिल टू, यहाँ पे आएगा फोन नंबर, इनवॉइस नंबर, फिर एड्रेस, ईमेल, यहाँ पे इनवॉइस डेट, ठीक है दोस्तों। ये एक इंफॉर्मेशन चाहिए आपको टेम्पलेट के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। देखिए दोस्तों, इसे आप बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आएगी आइटम या उसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा आइटम नंबर, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट और टोटल प्राइस, ठीक है दोस्तों। इसे हम सेलेक्ट करेंगे, इसे सेंटर पॉइंट और मिडल देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें अगर मैन्युअली हम कलरिंग करते रहेंगे दोस्तों तो टाइम बहुत जाएगा। हम सिंपली क्या करेंगे, इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब में देखिए यहाँ पे स्टाइल में एक ऑप्शन है, फॉर्मेट एज अ टेबल। चलिए जो आपको कलर अच्छा लगे उसे सिलेक्ट कर दीजिए दोस्तों। अगर ये सिलेक्ट किया, कर दीजिए ओके। देखिए अगर आपको इसको रिमूव करना है ये फिल्टर को, तो हम फिल्टर को नहीं पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। और जैसे मैंने रेंज को सिलेक्ट किया तो टेबल के टूल्स यहाँ पे ओपन हो गए, और यहाँ पे देखिए दोस्तों कन्वर्ट टू रेंज, मतलब टेबल फॉर्मेटिंग चला जाएगा और ये नॉर्मल सेल आ गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा है हमारा आइटम कोड A1234 ऐसा कुछ, तो ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या लिया है, यहाँ पे मैंने लिखा, उसके बाद क्वांटिटी अगर ली 527.58 यूनिट प्राइस है, और 1% हमने डिस्काउंट दिया है, ठीक है दोस्तों। अब इस नंबर को हम सेलेक्ट करेंगे, उसकी अलाइनमेंट करेंगे सेंटर, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे दोस्तों हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या किया है कैलकुलेशन, यहाँ पे टेबल दिया है दोस्तों। चलिए हम करते हैं इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू, बराबर है दोस्तों। फिर इसको करेंगे इंटू ये परसेंटेज, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, प्लस ओपन ब्रैकेट दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए दोस्तों ये एक्चुअल कैलकुलेशन, पहले तो आपको यूनिट प्राइस इंटू क्वांटिटी करना ही है, और जो भी वैल्यू आएगी दोस्तों उसके ऊपर आपको 1% डिस्काउंट निकालना है, फिर उसमें प्लस करनी है आपकी टोटल प्राइस। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन दोस्तों, इसे हम नीचे की तरफ ट्रैक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई देगा, यहाँ पे अगर जैसे आपने यहाँ पे कुछ डेटा ऐड किया तो आपको ये शो करेगा, चलिए हम इसकी अलाइनमेंट वापस करते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, ये ब्लैक लाइन जो है दोस्तों आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके नीचे की तरफ दे सकते हैं,
और यहाँ पे ये देखिए हमने ये कलर लिया था, इसे लगा दीजिए इस तरफ। ओके ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे मैं कैसे अलाइन में फॉर्मेटिंग करता हूँ टेबल की आउटसाइड का। बस मुझे मालूम है यहाँ पे रेड लाइन चाहिए, बस आपको रेड लाइन यहाँ से सिलेक्ट करनी है और देनी इस तरफ। नीचे की तरफ ब्लैक लाइन चाहिए, इसे ओपन कीजिए, ब्लैक लाइन लीजिए, यहाँ पे एंटर कीजिए, हो गई दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने दूसरे आइटम यहाँ पे लेके टूल क्लिक पाए, ठीक है, या लिया दस क्वान्टिटी 387.27 1%। देखिए दोस्तों 10%। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको निकालना है टोटल। मैं यहाँ पे लेता हूँ सब टोटल, यहाँ पे सिंपली आपको सम करनी है दोस्तों ये वैल्यूज की, बस ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है दोस्तों, और टैक्स जो है दोस्तों वो है कितना परसेंट टैक्स है दोस्तों, 5%। मैं यहाँ पे 5% डायरेक्ट अपडेट करता हूँ और इसका कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे। टैक्स अमाउंट कितनी है, टैक्स अमाउंट निकालने के लिए बहुत सिंपल, दिस वैल्यू इंटू ये 5%। देखिए आ गया, अभी टोटल अमाउंट कितनी रहेगी दोस्तों, तब क्या करेंगे ये सब टोटल माइनस ये टैक्स अमाउंट करेंगे। बस इसकी डेसिमल पॉइंट को चेंज करने के लिए आपको इनको सिलेक्ट करना है और होम टैब में देखिए, बस। तो इस प्रकार से आप दोस्तों एक कंपनी का टेम्पलेट बना सकते हैं दोस्तों, आपके स्मॉल स्केल कंपनी में जहाँ पे आप जॉब करें दोस्तों। अगर छोटी कंपनी रहा तो वहाँ पे आप मैन्युअली टेम्पलेट बनाइए, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसके कैलकुलेशन भी आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे, बस ये बाकी तो हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन हाउ टू क्रिएट इनवॉइस टेम्पलेट आपको पसंद आया होगा दोस्तों। सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक और कमेंट कर दीजिए दोस्तों, बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद।